हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि उदास ब्लू जीन्स को घर पे कलर कैसे करें डार्क ब्लू जीन्स में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जीन्स को पानी में गीला करेंगे अच्छी तरह से। जीन्स को किसी चीज़ पे रखेंगे पानी गिरने के लिए। गैस ऑन करेंगे, पतीला रखेंगे, उसमें 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। लकड़ी का डंडा लेंगे, 50 ग्राम नमक डालेंगे इसमें, 10 मिनट पानी को उबालेंगे नमक ताकि घुल जाए पानी में अच्छी तरह से। दस मिनट हो चुका है। कदम पक्का रंग डालेंगे जो कि मैंने लिया है 9 नंबर डार्क ब्लू। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। एक जींस में एक पॉकेट डाल देंगे। दस मिनट तक इसको पकाएंगे कलर को ताकि कलर बढ़िया से पक सके इसमें। 10 मिनट हो चुका है। अब जीन्स को कलर में डालेंगे। हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे ताकि हाथ में कलर नहीं लगे इसलिए। जीन्स को कलर में अच्छी तरह से डुबाना है। जीन्स को उलट पुलट करेंगे इसमें ताकि कलर बढ़िया से चढ़ेगा इसलिए। 45 मिनट तक इसी में इसको पकाना है ताकि कलर बढ़िया से इस पे आएगा। और 5-5 मिनट में ऊपर नीचे भी करेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे चढ़ेगा। जीन्स को कलर में पूरा डुबाना है ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। डाई फिक्स डालेंगे जो कि मैंने लिया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक जीन्स में आधा पॉकेट डाई फिक्स डाल देंगे। डाई फिक्स से यही फायदा होता है कि कपड़ा का कलर फिक्स हो जाता है। जीन्स को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे। अगर टी शर्ट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ऊपर नीचे करेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा।
45 मिनट हो चुका है। अब जींस को बाहर निकालेंगे, कुछ देर रखेंगे कलर करने के लिए। जींस को अब डाई फिक्स वाला पानी में डालेंगे, उसमें 10 मिनट रहने देंगे ताकि कलर फिक्स हो जाए बढ़िया से। 10 मिनट हो चुका है, जींस को बाहर निकालेंगे। सूखने के बाद देखिएगा कितना बढ़िया हो जाएगा। सूखने के बाद देखिएगा कितना बढ़िया डार्क ब्लू जींस हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा।